बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। जो पार्शियल होता है उसके अंदर गैस और लिक्विड स्टूल होता है वो पास कर सकता है, लेकिन जो कंप्लीट होता है वो उसके अंदर नो सब्सटेंस कैन पास। इसे ऑब्स्टिपेशन भी कहते हैं, कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कॉजेज़ की बात करें तो दो कॉजेज़ हो सकते हैं, एक तो फंक्शनल कॉज हो सकता है और एक मैकेनिकल कॉज होता है। मैकेनिकल को एक और शब्द होता है डायनेमिक, मैकेनिक बोलो या डायनेमिक बोलो एक ही बात होती है। तो फंक्शनल कोज को अडायनेमिक भी कहते हैं और इसका एग्जांपल है पैरालिटिक इलियस्टिस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैकेनिकल कोजेस के अंदर ये बहुत सारे कोजेस आते हैं, लेकिन इसके अंदर ध्यान देने की ये है कि जो हमारा वॉल्वुलस होता है वो लार्ज बोवल ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, और जो हर्निया होता है या जो पोस्ट ऑपरेटिव एडहीजन्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं। अब बात करते हैं हम कि पैरालिटिकल इलियस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, देर इज़ अ फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव्स सेकेंडरी टू न्यूरो मस्कुलर फेलियर इन दी ऑर्बैक एंड मीसनर प्लेक्सस। पहली बात तो यही हो गई। इट इज़ ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जर्व 72 आवर्स आफ्टर लेप्रोटोमी, ये इंपॉर्टेंट है। नो रिटर्न ऑफ बाउल साउंड्स ऑन ऑस्कल्टेशन एंड नो पैसेज ऑफ फ्लेटस। इसका मतलब क्या हो सकता है, पैरालिटिक इलियस हो गया हो सर्जरी के बाद में। फीचर्स के अंदर, इसके अंदर हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है, यूरेमिया देखने को मिलता है, एफर्टलेस वोमिटिंग देखने को मिलती है, एबसेंट बोवेल साउंड और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। रेडियोलॉजी की बात करें तो गैस फिल्ड लूप देखने को मिलता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इसका मैनेजमेंट होता है नेजोगैस्ट्रिक सक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ ओरल इंटेक अंटिल द बाउल साउंड एंड द पैसेज ऑफ फ्लेटस रिटर्न। अब बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो स्टूल होता है वो अक्यूमुलेट होता है, जिससे बाउल डायलेट होती है और इससे क्या होता है, क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन होता है। बाउल वॉल जो होती है वो एडिमेटस हो जाती है और वो स्टॉप कर देती है न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। नोजिया और वोमिटिंग होती है कंटिन्यूसली, तो उससे इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ और डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल में फील रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फ्रॉम अपवर्ड प्रेशर ऑन दी डायफ्राम। अब देखो दोनों में डिफरेंस होता है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में। तो स्मॉल बाउल के अंदर याद रखो कि वॉमिटिंग जो होती है वो मोर फ्रिक्वेंट होती है, जबकि लार्ज में लेस फ्रिक्वेंट होती है। लार्ज के अंदर जो पेन होता है वो लोअर इन एब्डोमेन होता है, जबकि इसके अंदर स्मॉल बाउल में ये पेरी अम्बिलिकल होता है, क्रैम्पिंग और इंटरमिटेंट होता है। स्मॉल बाउल के अंदर जो बाउट्स होते हैं वो फ्यू मिनट्स के होते हैं, जबकि इसके अंदर लार्ज लॉन्गर होते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो है, सॉरी बाउल स्ट्रेंगुलेशन, उससे स्कीमिया हो सकता है, उससे नेक्रोसिस और परफोरेशन हो सकती है, जिससे लोकलाइज पेरिटोनाइटिस हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन परफोरेशन लीड्स टू सडन रिलीफ फ्रॉम पेन, बट इट इज़ फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव वर्सनिंग ऑफ पेन। बाउल परफोरेशन जो होता है वो न्यूमोपेरिटोनियम कहलाता है, न्यूमोपेरिटोनियम हो जाता है उससे, जो कि एक इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन जरूरत होती है उसको। एक्सरे पे एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिलते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। एप्पल कोर साइन देखने को मिलता है कोलन कैंसर के अंदर। अ बर्ड्स बीक साइन ऑन बेरियम एनिमा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉल्वुलस। टारगेट साइन देखने को मिलता है इंटरसेप्शन के अंदर। वर्ल साइन देखने को मिलता है वॉल्वुलस के अंदर। यूएसजी के अंदर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में कीबोर्ड साइन देखने को मिलता है और टू एंड फ्रो साइन देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो गैस्ट्रोग्राफिन दे सकते हैं, जो कि एक हाइपरटोनिक वाटर सोल्यूबल एजेंट होता है। ये जो गैस्ट्रोग्राफिन होता है ये एडिमा कम करता है और धीरे धीरे इससे पेरिस्टेल्सिस बढ़ने लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा गैस्ट्रिक वॉल्वुलस के बारे में दिया हुआ है कि क्लासिक ट्रायड ऑफ बार चार्ट क्या होता है। ये क्या होता है, इनएबिलिटी टू पास एनजी ट्यूब, इंट्रैक्टेबल रैचिंग विदाउट वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग नहीं हो रही है लेकिन रैचिंग हो रही है, इंट्रैक्टेबल रैचिंग विदाउट वोमिटिंग, और सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन।
तो ये क्लासिक ट्रायड है, ये आपको याद करना पड़ेगा। गैस्ट्रिक वॉल्वुलस दो टाइप का होता है, मेसेंट्रो एक्सियल और ऑर्गेनो एक्सियल।